पिछली कक्षा में आपने स्वर संधि के चार भाग पढ़ लिए हैं और अब हम इसका आगे का भाग अयादि संधि पढ़ने जा रहे हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे अयादि संधि। अयादि संधि में हमने देखा, जिस प्रकार से यण संधि में हमने देखा था उसी प्रकार का इसका नियम है। उसमें अयादि संधि में हम देखेंगे कि ए और ए के सामने ए न आकर कोई अन्य वर्ण आए, यानी ए और ए के सामने ए वर्ण के अतिरिक्त यानी अलावा कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाएगा और आई हो तो आय हो जाएगा। यानी आई ए आय का तो आय हो जाएगा और आई का आय हो जाएगा यदि अतिरिक्त स्वर हो तो। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि ओ और आउ के बाद आउ के अतिरिक्त कोई और अन्य वर्ण हो तो ओ का तो अव हो जाएगा और आउ का आव हो जाएगा। एक बार दोबारा से हम दोहरा लें, ए और आई के वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण हो तो ए का तो हो जाएगा आए और आई का हो जाएगा आव। वही और औ के बाद औ के अतिरिक्त या ओ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो ओ का तो हो जाएगा अव और आव का हो जाएगा आव। तो ये हमने जाना अयादि संधि में। तो अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि अयादि संधि में किस तरह से हम संधि करेंगे। यहाँ हमने बात की थी कि ए और आई के सामने ए वर्ण के अतिरिक्त कोई और हो तो ए वर्ण के सामने ए और आई के सामने आई ना आकर या ए आई ना आकर अ आया है, ई आया है, उ आया है पर आई नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा आए और आय। इसी प्रकार से देखते हैं ए के सामने यदि अ आ जाता है तो हो जाएगा आई, आई के सामने ए आ जाता है तो हो जाएगा आ, आई के सामने ई आ जाएगा तो हो जाएगा आई यानी मात्रा लग जाएगी अव आए। ओ के सामने ओ आ गया तो अव, औ के सामने ए आ गया तो आ और औ के सामने ई आ गया तो अभी, औ के सामने उ आ गया तो अव, ओ के सामने ई आया तो अभी, औ के सामने ई आया तो अभी। तो इस तरह से हमने ये नियम देखा कि ए आई के बाद ए की मात्रा क्या ए वर्ण के अलावा कोई हो तो आए हो जाएगा और आए हो जाएगा। इसी प्रकार से अभी हो जाएगा आई हो जाएगा, ओ आओ के बाद आओ के अतिरिक्त कोई अन्य हो तो अव और आव हो जाएगा, अभी हो जाएगा आई अभी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण देखे। अब हम इसके एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। अब हमने देखा ए धन यानी अय आय हो गया। हमारे पास एग्जाम्पल आया चय ए की मात्रा चय धन अन। तो यहाँ पर हमने देखा कि आय हो जाएगा, अब आय हो जाएगा तो चय पर हमारे ए की मात्रा है और यहाँ पर है अन और हमारा नियम था ए और अ सामने हो तो ए और ए हमारे सामने है तो ये जो मात्रा है ए की वो और ए मिलकर क्या हो जाएगा आय। तो हमारा जो मात्रा है वो ए की वो इधर आ जाएगी। अब इधर आने पर ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, हमने बताया था कि यहाँ अब हो आय हो जाएगा तो ए तो इसके अंदर रह गया तो ये तो हो गया चय और जो मात्रा थी ए की वो इधर आ गई इसलिए ये रह गया तो ये हो गया य और ये हो गया न चयन। उसी प्रकार से देखिए आई और के सामने ए आ गया तो हो जाएगा आ। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास शब्द है सय धन थक तो आई की मात्रा तो इधर चली गई और ये खाली रह गया सय और आ है इसलिए हो गया सा, ए की मात्रा पे सा य क यानी ये य में कन्वर्ट हो गया यानी कि ये य में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सिंगल रह जाएंगे सब। अब ए के सामने ई है तो आई हो गया और यहाँ पर हमारे पास है ने धन इका तो ये क्या हो जाएगा ना आ की मात्रा आई आई हो जाएगा तो आ की मात्रा इस पे लग गई तो ये हो गया ना और ये ए की मात्रा इधर चली गई तो ना इका
देती है कि क्या हो गया आई, यानी छोटी मात्रा इस पे लग जाएगी। इसी प्रकार से ओ धन ए है, अब हो गया तो हो गया वो धन अन, तो क्या हो जाएगा ये तो रह जाएगा केवल ए, क्योंकि ए बन गया अब, और दूसरा ये बनेगा तो ये हो गया भ अ, यानी य भ व न, अब हो गया तो भवन। इसी प्रकार से देखिए अगला है औ धन ए, यानी आ, पौ धन अक, तो ये तो केवल क्या रह गया आ की आ हो जाएगा, तो इस पे तो लग जाएगी मात्रा पे पे, तो पा, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा पा, और आई की मात्रा इधर आ गई, तो इधर आने से ये बन गया वह, तो ये बन गया पावकर। वो धन ईश भविष्य, क्योंकि ये तो भई रह गया और मात्रा जो थी ये ई की मात्रा है वो इधर आ गई, इसलिए और वह बना ही था, वह बनेगा ही तो भविष्य। इसी प्रकार से औ धन उ, यानी आउ, यानी यहाँ पर उ की मात्रा और आ तो लगी गई, तो ये आ का डंडा इस पे लग गया, तो ये आउ तो इधर चला गया, तो ये रह गया भा, और उ की मात्रा लग जाएगी वह में, तो भावुक, क्योंकि यहाँ पर वह बने। आगे देखिए ओ धन ई, यानी अभी, यहाँ पर अभी बनेगा, यानी ये है, ये तो पे की जगह पाक पो की जगह केवल पे रह जाएगा क्योंकि है, और ये ई है वो छोटी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पवित्र, यानी ई वाली जगह पर क्या आ जाएगा वे आ जाएगा। इसी प्रकार से औ धन ई अभी, तो ये हो जाएगा नव धन इक, यानी ये क्या रह जाएगा नाविक, नाविक। तो बच्चों आशा है आपको अयादि संधि यण संधि दोनों ही अच्छे समझ में आ गई होगी। तो स्वर संधि हमारी आज यहीं खत्म होती है, और अगली कक्षा में हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। व्यंजन संधि जैसा किसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हम व्यंजनों का मेल होगा, तो व्यंजन संधि जब किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जब कोई परिवर्तन हमें शब्द में दिखाई दे तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। और व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं, और उन नियमों को, वहाँ प्रकार नहीं है, वहाँ हम इसके काफ़ी सारे नियम पढ़ेंगे और नियमों के आधार पर हम व्यंजन संधि को करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको स्वर संधि समझ में आई होगी। ध्यान रखें स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि। आशा है आपको ये 5 संधि समझ में आई होगी, और अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल अपनी कॉपी में करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को इनको सॉल्व करने की आदत बने, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। जितने भी उदाहरण आपके ग्रामर की बुक में दिए गए हैं उन उदाहरणों को आप अपने नोटबुक में करें। तो बच्चों आशा है आपको समझ में आया होगा। ये आज के लिए इतना ही।